बाईपास की तरफ, रोहिणी से आ रहे हो बाईपास की तरफ। रुक जा, घूम मत कर, आराम से चला। टेंशन मत ले यार, अब बंद कर वीडियो, बंद कर। रुक, लेफ्ट जाना था, अब सीधा जाना है। दोबारा करियो सेट कर, क्या कर रहा था तू? तुझे लगता है इतना सुंदर है तू? कैसी लगी? ओ भाई अल्टीमेट है यार, ये तो मजा आ गया। चलो चलो चलो, आ गए जी, आ गए क्लासिक काके। तो भाइयों, मेरा नाम है अमन कपूर और मैं हूं तुम्हारा तीसरा क्लासिक काका। हमारे पहले और दूसरे क्लासिक काकों से तो तुम मिल ही चुके हो, जो कि है राहुल कालरा और इंद्र कटारिया। जैसे कि आज हम एक मूवमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, एक जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि है रेकमेंडेड बाय इंद्र कटारिया। लेट नाइट फूड लवर्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक खुलती है। ऑल यू लेट नाइट फूड लवर्स एंड स्पेशली नॉन वेज फूड लवर्स, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो देयर। तो भाइयों, मैं हो गया हूँ तैयार अपना मास लेके इस सफर पे जाने के लिए। हमारे साथ जा रहे हैं हमारे गुरु भाई गगन बत्रा। तो हम 4 जने जाएंगे और आपको इस सफर का सारा इन्फॉर्मेशन और अपडेट देंगे, जिससे आपको भी पता लगेगा कि क्या ये जगह उतनी वर्थ इट है जाने के लिए या नहीं। हम आज इस गाड़ी में जाएंगे भाई, इस गाड़ी से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इस गाड़ी में हमने इतना फन किया है और अब देखते हैं हम गगन भैया से मिलेंगे। ओहो, क्या बात है क्लासिक काके, क्लासिक काके क्या हाल है? हाउ आर यू? मास्क लगाना बहुत जरूरी है, मैंने तो लगाया हुआ है, भैया आपको भी लगाना जरूरी है। बिल्कुल, ये मोटो जरूर रखना भाइयों। तो अब हम लेने जाएंगे गोलू को। चलो, राहुल कालरा। ज्यादा दूर रहता नहीं है ये, पर इसकी थोड़ी सी हम खातिरदारी करने के लिए जा रहे हैं, वरना तो हम इसे यहाँ पे भी बुला सकते थे। अब हम जा रहे हैं गोलू को पिक करने। देखना यार कितनी दूर रहता होगा, मैं पूरा दिखाऊंगा। इतनी दूर भी नहीं रहता, फिर भी इसे हमें पिक करना पड़ रहा है। वो देखो, ये चलता हुआ बाहर निकला हमारा हीरो। जिम से तो ऐसे आया है, और जिमर क्लासिक काके बड़ी फिल्डवार भाई। तो मिलते हैं अंदर के घर। क्या हाल है, क्या हाल है क्लासिक काके नंबर टू भाई। और क्लासी का क्या हाल है इंदर साहब? कैट है। चलो जी, हम हो गए हैं सारे के सारे रेडी और सारे के सारे इकट्ठे। अब चलते हैं हम अपने सफर पे, और जामा मस्जिद जाना है, लेकिन उस स्पेशल जगह पे। भाई जामा मस्जिद में कहाँ जाना है इंदर? बहुत कम लोगों को पता है वो, क्योंकि वो मेन मार्केट में है ही नहीं। वो है बिल्कुल अंदर जाके है वो, अज दिखा दूंगा मैं कितने आ। तो खाना इन्ना स्वाद है ना उतना, तुम खाए कबाब तो चिकन मलाई टिक्का पक्की खाए हो, मुँह पानी पानी आ गया। ठीक है, तो कोई नहीं भाई, राहुल भाई लेके जा ही रहा हमें। क्यों राहुल जी लेके जा रहे हो? ऑलवेज अ ड्राइवर। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। मेन मार्केट में नहीं है वो, अंदर जाके लेके चलेंगे पूरा। अभी तो गलियां दी सैर करावांगे, गलियां दी। वैसे होंदा ना पिंडा दी सैर, पिंडा दी नहीं, अज थानू जाम मस्जिद गलियां दी सैर करावांगे। पर मैं भी विनर, संदे इन कंपटीशन नहीं, वी केम फ्रॉम द बॉटम, मैं भी विनर, दे नो कंपटीशन। हमें बेसिकली जाना है बाईपास की साइड से, क्योंकि वहां जाने का बाईपास से अच्छा रूट नहीं है अभी, और सबसे सेफ, कम ट्रैफिक, और शॉर्टकट भी एक वही है ना। तो ये है हमारा हैदरपुर का मेट्रो स्टेशन, और हम इस वक्त जा रहे हैं बाईपास की तरफ। जैसे कि बताया था भाई, कश्मीरी गेट होके ही जाना है, ISBT कश्मीरी गेट की तरफ। हमें जाना है इस वक्त राजघाट की तरफ, और अगर आप यहाँ से इस बोर्ड को पार करने के बाद अगर आप यू टर्न कर लेंगे, हमें लेफ्ट जाना है, और अगर हम यू टर्न कर लेते तो हम जा सकते हैं ISBT का जो बस स्टॉप है सबसे बड़ा। ये है मस्जिद का मेट्रो स्टेशन,
अगर कोई बाय रोड नहीं आना चाहता तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। और हमारी गाड़ी फाइनली यहाँ खड़ी हो चुकी है। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद इतनी मुश्किल से जगह ढूंढने के बाद, मतलब इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई। यहाँ पे हैं सारे लोग जो हमारे गाइड कर देंगे आपको, और ये हमारे इंदर कटारिया साहब हमारे गाइड। अब आपको आगे का रास्ता यही बताएंगे, हमने आपको मंजिल तक पहुँचा दिया इंदर साहब, अब आप बताइए कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ पे पार्क करिए ना गाड़ी, वहाँ से आगे आना बहुत ज़्यादा, जब तक जाम मजी तक गेट नहीं आया। सब तो बड़ी गल ये है ना भाई, हजे तो इतने बहुत ज़्यादा जाम है, ठीक है, तुसी राती आयो घट्टो घट्ट भी अपना आराम ना 12 बजे तो बाद ही आयो, जो राती घूमते हो तो ठीक है 12 बजे तो बाद आना, फिर इतने कोई जाम नहीं थोड़ा मिलना, कोई भी जाम नहीं मिलना, सारी रोड खाली मिलूगी, जिथे मर्जी गड्डी खड़ी करे कोई चक्कर नहीं है। आ जाओगे ना इधर देखो, ये जी मार्केट है ना, हमने इसमें नहीं जाना, एक नंबर गेट में क्रॉस कर देना, वो सामने देखो वो यारब लिखा हुआ है, उसके साथ एक गली जा रही है, हमने उसमें जाना है। यारब से पहले एक होटल सलामी है, ठीक है, इसके साथ स्ट्रीट जा रही है, उसमें घुस जाना है। जहाँ से हम वो होटल सलामी से अंदर घुसेंगे ना, ये गली है, अगर देखोगे तो गली में पता नहीं लगेगा कुछ होगा, पर नज़ारा पूरा गली दे, बाइक वगैरह से आ सकते हो, तो जे मेरी मनो तो आप रात को ही आना, ठीक है 12 बजे तक, 12 बजे के बाद फिर रोड सारियाँ खाली हो जाती हैं। हम लोग आगे आ गए ना, अब देखो ये शटर आ गया ब्लू कलर का, हूँ अगे आऊँगे नाल ही दुकान है, ज्यादा लोगों को पता नहीं इस दुकान का, पर नज़ारा इन्ना है ना इस दुकान च, मोहब्बत है, मतलब आ दुकान है भाई, इतने आने का सिर्फ यही मेरा एक मोटिव है आने का। यहाँ पे खाना बहुत प्यार से खिलाया जाता है, मतलब। तो मेरे साथ है फुरकान भैया जिनकी ये शॉप के ऑनर है, तो मैं इनसे पूछूंगा कि इनका फाइनल एड्रेस क्या है और पूछूंगा इनका इनके पास स्पेशल क्या है खाने के लिए। एड्रेस है जामा मस्जिद, गेट नंबर 1 से आ जाइए आप, सलाम होटल का बोर्ड लगा हुआ होगा उसी गली में आ जाइए। स्पेशल क्या है? चिकन मलाई टिक्का है, चिकन कबाब है, तंदूरी है और चिकन बर्रा है, फिश है। तो मेन जो इनका हम जो हम सोच के आए, जैसे इंदर पहले आ रखा है तो हम यहाँ पर चिकन टिक्का और कबाब के लिए आया मेनली। इसमें डलेगा बटर, क्रीम, दही, मसाला, इसको मिक्स करते हैं, इसमें बटर डालते हैं और अब ये बन गई हमारी ग्रेवी, ठीक है भैया, दही मक्खन बटर क्रीम की ग्रेवी, अब इसके ऊपर आ जाएगी जी। ओए ओए लाजवाब, खवाओ मुंडे नु खवाओ भाई। कैसी लगी? ओ भाई अल्टीमेट। ऑनेस्ट ओपिनियन देना। द बेस्ट वे टू ईट कबाब लाइक दिस। बिल्कुल यार, तेरे करके तो आए हैं आप। सही में बहुत टेस्टी है। तो भाई पूरा डिनर करने के बाद अब कुछ मीठा तो बनता है, सो भैया की शॉप की एक खीर फेमस है काफ़ी, सो हम वही टेस्ट करने वाले हैं कि भाई ये कैसी है, ये टेस्ट करके इंदर आपको बताएगा। हाँ भाई, क्या कैसी लगी? सिरा नज़ारे, सिरा सिरा हमारा पेट पूरा भर चुका है, और आप सोचो कि हमने 4 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये में इतना बढ़िया खाना खा लिया है, मीठा भी हो गया जिसमें। लेकिन यहाँ का एक चीज़ और फेमस है, शाही टुकड़ा। तो
हम वो भी जरूर खाने जाएंगे, पेट में जगह इसके लिए जरूर बचाई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पर आने के लिए तो मैं फुरकान भी अगर नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आ गए हम, तो हम शाही टुकड़ा खाएंगे अब। तो आप देख सकते हो ये शाही टुकड़े की शॉप है, एक इसी के साथ एक लैंडमार्क है कि कुरेशी कबाब कॉर्नर है। फेमस शाही टुकड़े हैं, इसका जो बेस है, जो बेस जो है ब्रेड है, होममेड ब्रेड है, टॉपिंग में जो है मावा है। ये हमारी यहाँ पे चार ब्रांचेज हैं, एक तो ये उर्दू बाजार वाली ब्रांच है, अंदर तीन ब्रांचेज हैं हमारा। ये 1980 से भी पुराना दुकान है। मेन चीज़ हमारा शाही टुकड़ा और मैंगो आइसक्रीम फेमस है। हाँ जी, भी कपूर साहब हूँ, तुम दसो थानू किवें लग्या खा के? यार बहुत बढ़िया लगा यार, उसका एक एक आइटम बहुत बढ़िया थी। लास्ट में जो उसकी खीर थी वो भी बहुत टेस्टी थी। वैसे जिन्हें भी दिल्ली वाले ने ना, वो ज़्यादातर वैसे सारे जानते होंगे, दिल्ली च रह के भी जेड़ा इत्थे नहीं आया ना तो फिर सौ लगे तुम्हें चिकन नहीं खाता, तुम्हें नॉनवेज नहीं खाता अजे तक, ठीक है? तो इत्थे आओ, भीड़ तो यार भीड़ तो यहाँ पर हमेशा ही रहती है, चाहे रात को आओ चाहे सुबह आओ, पर जो मैं आना ना, मैं तो हमेशा 12-1 बजे तो बाद आना राती, ठीक है? तो उस टाइम पे ना पार्किंग की दिक्कत होती है ना कुछ होता है, और वहीं जाता हूँ जहाँ पे अभी हमने खाया था। तो आओ इतने के नज़ारा लो, सच्ची भाई सिरा का मैं सिरा। तो भाई उम्र भी है, 27 साल उम्र है, मुझे नहीं बढ़ेगी। बाल देख कितने हो रहे हैं ऐसे, कैसे नहीं? 27 साल उम्र है, मुझे नहीं बढ़ेगी बताइए। हाँ, मेरी खुद 27 साल का लगता हूँ, मेरी खुद से आते सर। ओए होए, मतलब बंदा ही है सर 22 साल का। आ देख ना, 33 38 के अंदर ना ये रजनीगंधा नदी है भाई। नहीं आ गया दिलबाग विहार आ रहा ना। अरे नदी को तेरी कसम रजनीगंधा के वो है यहाँ पे, एक रजनीगंधा रोड। अच्छा वो खुशबू आएगी क्या भी नीचे चल लेंगे इसको, रजनीगंधा आएगा? नहीं अबे आगे, अरे मैं बता, टेस्ट आ जाएगा। अरे वो एक फ्लाईओवर सा आता है, उसके नीचे से रजनीगंधा की खुशबू आती है बड़ी तगड़ी। अबे मैं बता दूं, आगे शिखर चौक आ रहा है, शिखर चौक के बाद चुटकी विहार, चुटकी विहार दिलबाग नगर आएगा ना। दिलबाग नगर रोहिणी कौन सा नगर है? रोहिणी है भाई, रोहिणी वाले हैं। नहीं राहुल, तुम तो दिलबाग चौक के हो ना, तुम्हारे यहाँ पे दिलबाग बनते है ना। हमारे सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, रास्ता उस्ता बता देते हैं। सीनियर सिटीजन माहौल वैसी रात का, वैसी तुम पिछे बैठे हो लोग के, थोड़ा फोन अगे और कर दा। नहीं आपको नहीं, वो जो नीचे हाथ में आयो ना, राहुल तो नहीं समझा रहा भाई, ब्याह क्यों नहीं करा रहा, 27 साल का हो गया मैं भाई। लड़की भी मिलनी चाहिए कोई। अबे यार भगवान से डरो यार, भगवान से। अबे एक तो आवाज आ जा कान में, अबे एक दिन इसकी, मैं को पता ना, ये इसकी बंदी थी कोई, उससे बात कर रहा फर्स्ट पनी, पहली बार फोन पे बात हुई थी, इंस्टा पे उसको नंबर दे दिया, जैसे उसने बोला हेलो करा, हां क्या हाल है, वो कह रही बाय। उसके बाद बंदी नहीं बनी है, जो बंदे बोलते हैं हाँ जी वीरे सत श्री अकाल वीरे, कि मैं ठीक ठाक हो वीरे, हाँ जी हेलो, हाँ मेरी वै, चल अपन गाला नहीं काटते, हाँ क्या होता है बता, प्यार ना बोले हाँ जी वीरे, या से लिए था हाँ जी की हाल नहीं जी, हाँ। मैं आ गया हूँ अपने घर वापस, घर छोड़ दिया राहुल को भी, इंद्र को भी, और गगन भी अपने घर चला गया है। चंगा फिर वीरो, मिलते हैं तुम सबको अगली वीडियो पे। कमेंट करके जरूर बताना यार कैसी लगी ये वीडियो, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और खूब सारा प्यार देना। कीप सपोर्टिंग भाई।